ये बीमारी रुकने का नाम नहीं ले रही है। स्वागत है आप सबका हमारे सबसे ज्यादा वायरल शो जनता का मुठकदमा में। क्या आप भी चाहते हैं प्रिया वॉरियर की तरह सुपरस्टार बनना? क्या आप भी चाहते हैं रातों रात आपके मिलियंस में फॉलोअर हो जाए? अगर ये दोनों बातें सुन के आपके मुंह से हाँ निकला है तो मुंह फाड़ने में शर्म नहीं आ रही है बिल्कुल। इस देश में मेहनत करने को कोई तैयार नहीं है। तो यार आज हम लोग बात करने जा रहे हैं उन लोगों के बारे में जो इस देश में हो रहे किसी भी चुतियापे को बढ़ावा देने का एक भी मौका नहीं छोड़ते। नहीं नहीं यार, चुतियापा चाहे जैसा भी हो, ऐसा हम रबे भरोसे कहे नहीं के या फिर ऐसा ये बोछड़ी वाले अपनी गांड हर जगह डालने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। मैं बात कर रहा हूँ फेसबुक पेजेस के बारे में। एक तो यार मुझे ना फेसबुक का चक्कर कुछ समझ में नहीं आता है, क्योंकि यार ये एक लौता प्लेटफॉर्म ऐसा है जहां पे लोग अजनबियों से दोस्ती करते हैं और अपनों को ब्लॉक मारते हैं। और आज इसी फेसबुक के वजह से एक चंपक चूतिए खुद को सुपरस्टार बोल रहे हैं। हर वो बंदा जिसने उस वीडियो को देखा, शेयर किया, लाइक किया, मैं उसके वजह से फेमस हूँ। मैं वो सभी पेजेस की वजह से फेमस हूँ जिसने मुझे शेयर किया। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा। अब इन मीम बनाने वालों के नल्ले पने के चक्कर में एक से एक फर्जी इंसान को फेम मिला है। अब जैसे कि ये लड़की, इस समय इस लड़की को इंसान तो छोड़ो, गली के कुत्ते तक के इंस्टाग्राम पे फॉलो कर रहे हैं। नहीं भाई, इसने आंख मटकाई, बात यहीं पे खत्म हो सकती थी, लेकिन नहीं, ये मीम बनाने वाले गांड में खपच्ची लेके घुस गए। शादी करूंगी तो सिर्फ M और R से नेम शुरू होने वालों से। अरे बोछड़ी वालों, मुझको एक बात बताओ, जिनका नाम ABCD से शुरू होता है उनमें क्या बुराई है? उनके पास रिजर्वेशन नहीं है या उनकी गांड आगे की तरफ है? भाई बात पता है क्या है, हमको और तुमको बकचोदियों में बहुत ज्यादा मजा आती है। अब किस तरह की बकचोदी मैं दिखाता हूँ तुम लोग को, भाई टेंशन मत लो, बिल्कुल भाई आया है बता के जाएगा। बस अब ये देख करके कुछ लोगों को इतना ज्यादा मजा आ जाती है कि कमेंट सेक्शन में जाकर के स्कूल के दोस्त, कॉलेज के दोस्त, दूध वाले भैया, मरकरी वाली मौसी, जुपिटर वाले चाचा सबको टैग कर देंगे। और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में ऐसी फर्जी की बीमारियां पूरे देश में एड्स की तरह फैल जाती हैं। लेकिन सच्चाई तो यह है कि इस देश में बढ़ रही बकचोदी को मिटाने के लिए हमको और आपको आगे आना पड़ेगा। हमारे आपके आगे आने के बाद ही अब अगर आप किसी ऐसे फेसबुक के पेज के एडमिन को जानते हैं ना, तो फिर उसका फेसबुक का प्रोफाइल खोल के देखना, पक्का बेशर्मों की तरह उसके ऑक्यूपेशन में लिखा होगा कंटेंट क्रिएटर। और कंटेंट क्रिएशन के नाम पे करते क्या हैं ये लोग? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बहन चोद, खुद की शक्ल भले बुकर टी जैसी है लेकिन दूसरे की शादी करवाने में बहुत इंटरेस्ट है इन लोग को। नहीं यार, तुम लोग खुद सोचो, एक इंसान इस देश के कोने में किसी टट्टी में बैठा हुआ तुमको एक चूतिया से पोस्ट पे टैग करने को बोल रहा है, और हाथ के नस काटने वाली बात तो यह है कि तुम लोग टैग कर भी रहे हो। फेसबुक और इंस्टाग्राम तो छोड़ो, अब ये बोछड़ी वाले यूट्यूब पे भी आ चुके हैं हमारे दिमाग की गांड मारने के लिए। RVCJ मीडिया, तुम लोगों ने फेसबुक पर गांड मरवाई, हम लोगों ने कुछ कहा नहीं। तुम लोगों ने इंस्टाग्राम पे चुदाप मचाया, हमने कुछ कहा नहीं।
अबे यहाँ तो बख्श दो यार, और ये जो रजनीकांत वर्सेस सीआईडी जोक वाले ना, इन लोगों से मैं कुछ पर्सनली कहना चाहता हूँ भाई, अभी भी टाइम है, कुछ खा के मर जाओ, कुछ बुरा नहीं होगा, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा यार, चार लोग की दुआएं लगेंगी भाई, प्लीज हैशटैग खा के मर जाओ। बस यार हो गया मेरा अब तो। बस यार अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो वीडियो को, तुरंत लाइक करो यार वीडियो को, और कमेंट करो यार, तुम लोग जब कमेंट करते हो यार भाई दिल से खुशी मिलती है, तो कमेंट करो वीडियो में। और अगर तुम अभी तक के इस क्रांति से नहीं जुड़े हो और तुम भी चाहते हो शक्ति का हिस्सा बनना, तो वो जो लाल वाला बटन उस पर क्लिक करो, सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बगल में घंटा बन के आएगा उसको भी दबाओ ताकि तुम नोटिफिकेशन पाओ, तुरंत सब्सक्राइब करो यार। अब बस मैं भी चलता हूँ, मेरे पास यूट्यूब से मेल आया है, शायद मुझको फैन फेस्ट में बुलाया गया है, तो बस यार एंडिंग लगाओ। मुकेश गवार फैन फेस्ट का मेल नहीं है ये, इसमें लिखा हुआ है मेरी वीडियो पर क्लेम आ गया है, गवार गांड मार रहा हूँ। मार दिया क्या? मेरे सामने औकात क्या है तुम्हारी? गाल में डाल लियो क्या चाबी साहब।